रीवा के सिटी थाना अंतर्गत लोही गांव में शरारती तत्वों ने दर्जन भर से अधिक मवेशी को पानी से भरे नहर में धकेल दिया। जिला प्रशासन और पुलिस को मिली सूचना के बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी जानवरों को सुरक्षित बाहर निकालकर गौशाला भिजवा दिया। इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिटी कोतवाली अंतर्गत थाना लोही गांव में दर्जन भर से अधिक जानवरों को नहर में धकेल दिया गया था, जो नहर में फंसे हुए थे। स्थानीय लोगों ने जानवरों की फोटो और वीडियो खींचकर जिला कलेक्टर सहित पुलिस कप्तान को भेजा, जिसके बाद जिले के आला अधिकारियों ने इसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल रेस्क्यू करने के निर्देश दिए। होमगार्ड पशुपालन की टीम के साथ सिटी कोतवाली थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और रात में ही रेस्क्यू शुरू किया। पहले इन जानवरों को ऊपर निकालने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद जेसीबी मशीन से नहर के किनारे से ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता बनवाया गया, लेकिन पानी ज़्यादा होने के चलते वो प्रयास भी काम नहीं आया, जिसके बाद रास्ता मंगवाया गया और कुछ लोग नहर में उतरे और रस्सी बांधकर जानवरों को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की मदद से 3 घंटे तक रेस्क्यू चला, जिसके बाद सभी जानवरों को सुरक्षित बाहर निकालकर गौशाला भिजवा दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इन जानवरों को किसने और क्यों पानी में धकेला। एक शिकायत प्राप्त हुई थी, फुटेज भी आया था व्हाट्सएप पे कि कुछ जानवर है नहर में, लोही के आसपास के एरिया में जो नहर है, तो तत्काल थाना प्रभारी को उनके बल के साथ वहाँ भेजा गया, देखा गया, तो उसमें नहर में कुछ जानवर थे। करीब कमर तक पानी था नहर में और जानवर धीरे धीरे खिसक रहे थे नहर के बहाव के कारण से, तो ऐसा लगा कि जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। तत्काल टीआई कोतवाली के द्वारा व्यवस्थाएं की गई, यहां से फोर्स भेजा गया, साथ ही उसके बाद फिर क्या अंधेरा होने लग गया था, तो टीआई कोतवाली के द्वारा जेसीबी का इंतजाम किया गया और उसके बाद उस जेसीबी की लाइट से फिर कुछ प्रयास दूसरे किए गए, ट्रैफिक सुविधा भी पहुँचे, रस्सा वस्सा लेकर जानवरों को रोका गया कि और आगे ना बह पाएँ, और वहाँ से रस्से से बांध बांध के जानवरों को खींचा गया, जेसीबी से कुछ रास्ता ही बनाया गया। पुलिस टीम के द्वारा, खासतौर से टीआई कोतवाली और उनकी टीम के द्वारा बहुत अच्छा इसमें काम किया गया। जानवरों की करीब 25 से 26 जानवर थे जिनकी जान बचाई गई है, और ऐसा जानकारी में आ रहा है कि कुछ किसानों ने या कुछ किसानों के बच्चों ने उड्डनता करके शायद उनको हाँक दिया होगा, जिससे वो नहर की तरफ उतर गए। फसल हो, आजकल सब चारों तरफ फसल है, तो ये आवारा पशु थे, हो सकता है कि उनकी फसलों को नुकसान पहुँच रहा है, तो उन्हें आँका होगा, तो गलतीवश भूलवश या उड्डनतावश वो जानवर नहर में उतर गए थे। निकाल के सबको सुरक्षित कर लिया गया, किसी जानवर की मौत की जानकारी नहीं। नहीं, अभी कोई जानकारी में नहीं आया, टीआई कोतवाली संबंध में तस्दीक कर रहे हैं कि मामला क्या है, अभी तक कहाँ हुआ है, किस कितनी दूर पहले हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ है, अभी जानकारी में आया। काम में टैग लगे रहते हैं, उनसे पहचान की जा सकती है। हाँ, वो सब पहचान कराने की कार्रवाई थाना प्रभारी वेटनरी वालों के साथ मिलकर कर लेंगे।